नेक्स्ट अपन इंटीजर टाइप पे आते हैं बच्चों। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन, एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है जिसके जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में दे रखे हैं कि आई जे के ऊपर क्वेश्चन कुछ कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग अपन को एलिमेंट मिलेंगे। देन वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 times एडजॉइंट ऑफ 2 times ए इनवर्स, इसके डिटर्मिनेंट की हमें बात करनी है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं उसको पहले पकड़ के लाते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास में मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हो गए a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है यहाँ तक। अब हमें बोला गया है कि जो एलिमेंट है aij जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पे i अगर j के इक्वल है तो उस समय aij जो होगा वो क्या होगा, 2। तो देख रहे हो कि हमारे पास में 1 1 2 2 3 3, इस पे क्या है, i इक्वल टू जे। तो बेसिकली हमारे पास में जो मैट्रिक्स ए है इसके ये डायगोनल के जो एलिमेंट है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, 2 2 2, ठीक है। अब क्या बोलता है, अगर i का वैल्यू अगर j से बड़ा है, अगर i का वैल्यू j से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म के हो जाएंगे, -1 to the power i + j। अब देख रहे हो कि हमारे पास में इस वाली चीज को देख रहे हो, यहाँ पे 2 1 से बड़ा है, यानी कि i j से बड़ा है, i j से बड़ा, i j से बड़ा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास में क्या हो जाएगा, -1 की पावर i + j। तो -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो ये कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो गया, 1, ये कितना हो गया, -1, ओके। अब आते हैं इस पर, अगर j का वैल्यू i से बड़ा है उस केस में हमारे पास में क्या मिल रहा है, -1 to the power j - 1। तो ये कितना हो जाएगा, -1 to the power 2 - 1, ये हो जाएगा -1, ये कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया हमारे पास में, अगेन -1। सो बेसिकली हमने क्या करा, इसको देखते हुए हमने मैट्रिक्स ए को फॉर्म कर दिया कि मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से और कैसे होंगे। अब हमें बोला है कि इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स ए आई है तो उसके डिटरमिनेंट की बात करते हैं। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 × इसके अलॉन्ग मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, 2 × 4 - 1 - - +1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग खोलेंगे तो कितना हो गया, -2 - -+, तो ये हो गया -2 + 1, और ये कितना हो गया, +1 × इसके अलॉन्ग जो भी रो है इन कॉलम में उसको स्किप कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, -1 - 1 - 1 - 2। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 - 1 - 3, 3 × 2 हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा, -2 + 1 - 1, और ये कितना हो गया, 1 - 2, अगेन -1। तो यहाँ से मैं पता लगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसका वैल्यू कितना आ गया, 4, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है क्या पूछना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 times एडजॉइंट ऑफ 2 × A−1, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में बात करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि देखो अगर हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है, अगर के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर हमारे पास में ये भी है कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर 3x3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के जैसे बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा, k³ × डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एडजॉइंट के केस की, तो एडजॉइंट के ए है तो वही अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर 3x3 का है तो के को जैसे मैं बांट लूंगा तो के क्या हो जाएगा, k·n−1, n क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3, तो 3 - 1 क्या हो गया, 2, और ये कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है मेरी बात। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करना चाहूँ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है, अगेन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर 3x3 है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3, तो 3 - 1 क्या हो गया, 2, ठीक है। ये हमारे पास में 3 कुछ बेसिक फंडे हैं जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले हैं। आओ फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से 3 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 × ये कितना हो गया, एडजॉइंट ऑफ 2A−1, वही वापस ये कितना हो गया, 3³ को जैसे मैं बांट लूंगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे k जो है अब किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन में
टू, तो टू जैसे बार आएगा तो क्या हो जाएगा, टू की पावर टू, टू की पावर टू, और ये कितना हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। अगेन टू की पावर टू को अगर मैं बार लूंगा तो क्या हो जाएगा, टू की पावर टू को जैसे बार लूंगा तो क्या हो जाएगा, टू की पावर टू की होल पावर थ्री हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी थ्री की पावर थ्री इन टू, ये कितना हो गया टू की पावर टू की होल पावर क्या हो गई थ्री। अब क्या आ जाएगा हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर टू, तो यहां से में क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स की पावर क्या हो जाएगी टू। क्लियर है मेरी बात। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो गया थ्री की पावर थ्री इन टू टू की पावर, ये कितनी हो जाएगी टू थ्री सिक्स अपॉन में क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये हो गया थ्री की पावर थ्री इंटू टू की पावर सिक्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है फोर, यानी कि टू की पावर टू, टू की पावर टू का होल स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा टू की पावर फोर, तो बेसिकली क्या आ गया थ्री की पावर थ्री इंटू टू की पावर टू, तो ये हो गया ट्वेंटी सेवन और ये हो गया फोर, तो बेसिकली इतना हो गया सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, फोर टू जा एट टू टेन, तो आ गया आंसर 108, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 108 इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, लॉ के अंदर इक्वेशन दे रखी है और गिवन है कि एक्स जो है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो मुझे बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के क्या होंगे, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है क्वाड्रेटिक, इसके क्वाड्रेटिक के हम क्या कर देते हैं फैक्टर कर देते हैं, तो ये कितना हो गया लॉग 2x प्लस 5 इन टू में क्या आ जाएगा x 2x स्क्वायर 5x यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के फैक्टर क्या हो गए 2x प्लस 5 इन टू एक्स प्लस 1 और लॉग का बेस क्या दे रखा है x प्लस 1। क्लियर है मेरी बात। यहाँ पर आओ तो इस 2 को मैं आगे लेके चल जाता हूँ, तो ये क्या हो गया 2 इंटू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बेसिकली हमें पता है यहाँ पे जो x प्लस 1 है वो कहाँ पर है बेस में, और बेस जो होता है वो लॉग का क्या होना चाहिए पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, तो अगर x प्लस 1 पॉजिटिव होगा तो मॉड किस में ओपन होगा पॉजिटिव साइन में, तो इसका मीनिंग हुआ कि मैं इसको लॉग ए बी क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग 2x प्लस 5 टू द बेस x प्लस 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा लॉग x प्लस 1 टू द बेस x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, ये क्या हो गया लॉग। अब हमें पता लग चुका है कि बेस जो है पॉजिटिव होगा नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो पॉजिटिव के केस में x प्लस 1 क्या होगा पॉजिटिव, मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड किस में ओपन होगा पॉजिटिव साइन में, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 टू द बेस क्या आ गया 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके तो चलो एक काम करते हैं, लॉग 2x प्लस 5 टू द बेस x प्लस 1 को एक बार के लिए t एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मैंने t बोला तो ये कितना हो गया t और नंबर ऑफ बेस सेम है तो वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम क्या हो गया 1 और ये कितना हो जाएगा ये x प्लस 1 टू द बेस 2x प्लस 5 की बात हो रही है, और जबकि हमने t जो एज्यूम किया था t किसको माना था 2x प्लस 5 टू द बेस x प्लस 1 के, तो इसका ये क्या हो गया रेसिप्रोकल है, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 अपॉन t माइनस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये हो गया माइनस का 3 टी और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। टी के अंदर क्या आ गया हमारे पास में क्वाड्रेटिक आ गई, इसके रूट फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में टी का वैल्यू क्या आ गया 1 एंड 2। अब बेसिकली हमें नंबर ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि एक्स की वैल्यू की बात करनी है जो इस कंडीशन को क्या करें सेटिस्फाई करें, तो हमें एक्स बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं t का वैल्यू 1 ले लेते हैं, t का वैल्यू अगर 1 है तो उस केस में हमारे पास में log 2x प्लस 5 टू द बेस x प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो जैसे हमने log को हटाया तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 इजिकल टू क्या हो गया x प्लस 1, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 4, जबकि क्वेश्चन में गिवन क्या है x क्या होना चाहिए पॉजिटिव, x आ क्या रहा है नेगेटिव, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट। ओके अब सिमिलरली इसी पैटर्न से t का वैल्यू 2 लेते हैं, तो t का वैल्यू अगर 2 एज्यूम करते हैं, t का वैल्यू 2 होने पर उस केस में हमारे पास में x का वैल्यू क्या आ गया log 2x प्लस 5 टू द बेस x प्लस 1 इजिकल टू क्या हो गया 2,
लॉग को हटा देते हैं तो ये क्या हो गया 2x प्लस 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 2x प्लस 5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा 4। तो बेसिकली वी कैन से रेड एक्स क्या होगा प्लस माइनस 2। अगेन माइनस माइनस 2 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा रिजेक्ट, क्यों एक्स क्या है पॉजिटिव होना चाहिए। सो फाइनली एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे इस इक्वेशन के 1। ठीक है बच्चों।